पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। न्यू जलपाईगुड़ी के पास मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह जा रही थी। ये टक्कर इतनी ज़्यादा भीषण थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई सारी बोगियां पटरी से उतर गई और एक दूसरे पर चढ़ गई। इस हादसे में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और 60 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ममता बनर्जी और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक जताया है। बालाकोट रेल हादसे के करीब एक साल बाद पश्चिम बंगाल में हुए इस हादसे ने एक बार फिर से रेलवे सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा कैसे हुआ, अभी इसी पर बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार 17 जून को सुबह 8:35 के आसपास रंगापानी स्टेशन के नजदीक सिग्नल न मिलने की वजह से बेहद धीमी स्पीड से कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से पीछे से उसी पटरी पर मालगाड़ी आई और उसने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कंचनजंगा एक्सप्रेस का तो एक डिब्बा हवा में लटक गया। आखिर ये भीषण हादसा क्यों हुआ और रेलवे का कवर सिस्टम यहाँ काम क्यों नहीं कर पाया, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। देखिए, नजदीकी स्टेशन की ओर से ट्रेन को आगे बढ़ने या रुकने का सिग्नल दिया जाता है। अमूमन एक पटरी पर 2 से 3 ट्रेन रह सकती है, लेकिन इन ट्रेनों के बीच हमेशा एक निश्चित दूरी बनी रहती है ताकि ये सुरक्षित रहे। इसी वजह से सिग्नल बेहद अहम माना जाता है। सिग्नल ये बताने का काम करता है कि यदि आगे कोई ट्रेन है तो सिग्नल रेड रहेगा और अगर सिग्नल ग्रीन है तो उसका मतलब आप वहां से ट्रेन ले जा सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मालगाड़ी के पायलट को सिग्नल दिखाई ना दिया या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल रेड नहीं हो पाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी कर दी। वहीं इस मामले में मंत्रालय का कहना है कि ये सिग्नल ओवरशूट का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि मालगाड़ी को आगे ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी मालगाड़ी को आगे ले जाया गया। ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जाँच होनी बेहद जरूरी है। बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस रेली ट्रेन है। ये ट्रेन बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों से, जिसमें सिलचर और अगरतला शामिल है, उनसे जोड़ती है। साथ ही ट्रेन का रूट चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस रूट पर एक्सीडेंट होने की वजह से कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, उनका रूट बदल दिया गया है या उनको कैंसिल कर दिया गया है। अक्सर कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल पर्यटक दार्जिलिंग की यात्रा करने के लिए करते हैं। इस पर इतना ही, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।